أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज से हम अहकाम खमसा के पांचवे और आखिरी बाब के बारे में बात करेंगे जो है मुबा। मुबा यानी हर वो अमल जिसकी ना कोई सज़ा हो और ना कोई जजा, चाहे आप इसको अंजाम दें चाहे तर्क कर दें। यानी हर वो अमल जिसके बारे में शरीयत ने कोई हुक्म ना दिया हो या शरीयत में कोई हुक्म ना मिलता हो। मिसाल के तौर पर अच्छे खाने खाना, अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ी चलाना, सैर करना वगैरह। मुबा और हलाल में फ़र्क। हर मुबा हलाल है लेकिन हर हलाल मुबा नहीं है। जैसे हर मकरूहात हलाल हैं लेकिन हर मकरूहात मुबा नहीं है। यहीं पर एक चीज़ जो हमें मिलती है वो है इबाहा और जवाज में फ़र्क। यानी एक चीज़ मुबा है और एक चीज़ जायज़ है। हर मुबा जायज़ है लेकिन हर जायज़ मुबा नहीं है। जैसे जितने भी मुस्तहबात और मकरूहात हैं वो सब जायज़ हैं लेकिन ये मुबा नहीं है।